नंबर 9 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। ओके, तो कोई एपी है उसके शुरुआत के 7 टर्म्स का सम कितना है? 49, यानी कि S7 आपको गिवन है, तो S7 कितना है? 49। ओके, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। इसका मतलब क्या है कि उसी एपी के फर्स्ट 17 टर्म्स का सम कितना है? 289, यानी कि S17 इज इक्वल्स टू 289। करेक्ट, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। अब देखिए सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होता है। देखिए n टर्म्स का सम हमको निकालना है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार n मैं फाइंड कर लूँ, नहीं, n टर्म्स का सम फाइंड करने का ये मतलब है कि आपके पास n टर्म्स का सम का एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा। मतलब सिंपल शब्दों में आप ये समझिए कि आपको उन्होंने 7 टर्म्स का सम दिया है, 17 टर्म्स का सम दिया है, ठीक है। तो आप n टर्म्स का जब सम निकालोगे तो वो n के टर्म्स में आएगा आंसर। अब n को आप भूल जाइए, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, आप उसको छोड़ दो। आप देखो n को छोड़कर क्या क्या नहीं पता है, a और d नहीं पता है, ठीक है। तो आप a और d आराम से फाइंड कर सकते हो, कहां से? ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई यहां से, ठीक है। तो देखिए कर लीजिए यहां से फाइंड, कैसे करोगे? अच्छा एक बात बताओ, एपी तो एक ही है ना, एक ही एपी है, उसी एपी के 7 टर्म्स का सम कितना है? 49, और उसी एपी के 17 टर्म्स का सम कितना है? 289, ठीक। तो अगर एपी सेम है तो उस एपी का ए और डी तो चेंज नहीं होगा, S7 के लिए भी फर्स्ट टर्म ए रहेगा और कॉमन डिफरेंस डी, और S17 के लिए भी फर्स्ट टर्म ए रहेगा कॉमन डिफरेंस डी, और जब हम एन टर्म्स का सम निकालेंगे तब भी फर्स्ट टर्म ए रहेगा कॉमन डिफरेंस डी। यानी कि सबसे पहले हम लोग अपनी कॉपी में एक नोट लगाएंगे क्या कि लेट अस अज्यूम द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। ये हमको एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं नहीं लिख रहा हूँ आप लिखिएगा। तो S7 कैसे हो जाएगा बताइए, 7/2 फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 7 टर्म्स का सम है तो 7/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू ए और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू यहाँ कितनी लेंगे, 7 माइनस 1 क्या होता है 6, तो 7 माइनस 1 यानी कि 6d इज इक्वल्स टू 49। करेक्ट, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7/2, अंदर से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो a बच गया, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो क्या बच गया 3, ओके इज इक्वल्स टू 49। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल और 7 इन द ब्रैकेट a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 49। नाउ डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड हम 7 से डिवाइड लगा देते हैं, लेफ्ट में भी लगाया राइट में भी, तो ये 7 से 7 गया, 7 बन जा 7 7 49, यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल्स टू व्हाट 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ आ जाइए S17 इज इक्वल्स टू 289, तो S17 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 17/2 n की वैल्यू कितनी है 17, 17/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 17 रखेंगे तो 17 माइनस 1 कितना होता है 16 इंटू डी इज इक्वल्स टू 289। करेक्ट, ओके, नाउ अंदर से 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आपके पास 17/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा a क्योंकि 2 बाहर चला गया, और प्लस 2 8 16 होता है तो यहाँ 8 बच जाएगा और साथ में d इज इक्वल्स टू 289। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 17 और a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 289। अच्छा आप लोग को एक बात पता है क्या कि 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है, मतलब 17 का स्क्वायर मतलब 17 × 17 आप करके चेक कर लीजिएगा कितना होता है 289, ठीक है। तो इस 289 को मैंने क्या लिख लिया नेक्स्ट स्टेप में 17 × 17। करेक्ट, नाउ डिवाइडिंग बाय 17 बोथ साइड, लेफ्ट में 17 से डिवाइड लगाया, राइट में डिवाइड लगाया, 17 से 17 कैंसिल हो गया, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू, यहाँ 17 17 कैंसिल हो जाएगा 17 आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, तो 1 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो 1 क्या है हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। माइनस करते हैं, यहाँ साइन माइनस हो जाएगा चेंज, ठीक है, तो a से a कैंसिल हो गया। देखिए 3d माइनस माइनस का 8d मानेंगे तो 3d माइनस 8d माइनस 5d इज इक्वल्स टू 7 माइनस 17 माइनस 10। ओके, तो आपके पास आ गया कितना
यहाँ पे देखिए आ गया माइनस फाइव डी इज इक्वल्स टू माइनस टेन, नाउ डिवाइडिंग बाय माइनस फाइव बोथ साइड, माइनस फाइव से लेफ्ट में माइनस फाइव से राइट में डिवाइड लगाया, देखिए माइनस फाइव से माइनस फाइव कैंसिल, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, फाइव वन दा फाइव, फाइव टू जा टेन, टू अपॉन वन टू, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई टू, तो डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया टू, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो जब आपका डी कितना आ गया टू आ गया, तो आप ए फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर वन में, आप डी की वैल्यू टू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री इंटू डी, डी कितना है टू, तो थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू सेवन, सिक्स को राइट में भेजो तो सेवन माइनस सिक्स यानी कि वन, तो ए की वैल्यू हो गई कितनी वन और डी की वैल्यू हो गई टू, आ गई। अब देखिए ए और डी आपको पता चल गया है, ठीक है, और इन्होंने आपसे क्या पूछा है, इन्होंने आपसे पूछा है कि फर्स्ट, इन्होंने पूछा है कि द सम ऑफ एन टर्म्स बता दो, तो जब उन्होंने बोल दिया है कि द सम ऑफ एन टर्म्स बता दो और एन की वैल्यू ही नहीं बताई है, तो हम क्या करें बताइए, तो हम तो एन टर्म्स का सम ही निकाल के देंगे, मतलब हम एन की वैल्यू को एन ही रखेंगे, और कोई हिंट हमको नहीं दिया है कि हम एन कहीं से निकाल लें, और ना तो इन्होंने बोला है कि एन निकालो, तो जो एस एन आएगा वो एन के टर्म्स में आएगा, ओके, उस पर भी मैं अभी कॉमेंट करूँगा, वो आप देखिएगा, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पे हमने छोड़ा हुआ था, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू इन द ब्रैकेट टू इंटू ए, ए कितना है बोलिए वन, तो टू वन ज़ा टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है बताइए टू, तो यहाँ हमने टू रखा। अब एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू इन द ब्रैकेट, ध्यान दें ये टू ऐसे ही रहेगा, और टू इंटू एन कितना हो जाएगा, अरे इस टू को आगे से मल्टीप्लाई करो, टू इंटू एन टू एन, और टू इंटू माइनस वन माइनस टू, माइनस टू प्लस टू कैंसिल, और एस एन इज इक्वल्स टू एस एन अपॉन टू इन द ब्रैकेट, ध्यान दें प्लस टू एन बचा है का मतलब टू एन बचा हुआ है, अब ये टू से टू कैंसिल हो गया, ये टू इंटू एन था, अब एन इंटू एन क्या होता है एन स्क्वायर। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो भी ए पी थी, जैसी भी ए पी थी, मतलब ए पी ऐसी थी कि उसका फर्स्ट टर्म कितना था वन और उसका कॉमन डिफरेंस कितना था टू, ठीक, तो उसके एन टर्म्स का सम कितना आ रहा है एन स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो जरा, पता है अगर वो आपको क्वेश्चन में बोलता क्या, सुनिए मेरी बात, मैं आप क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, आंसर तो आ गया हमारा, ठीक है, कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज एन स्क्वायर, अगर वो आपसे क्वेश्चन में ये भी बोल देता ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड व्हाट, ऑल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो हम क्या करते, जब एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला आ चुका है एन स्क्वायर, तो जब हमको बोलता कि सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म्स, तो हम एन की जगह क्या रख देते टेन, तो टेन का स्क्वायर हंड्रेड आ जाता, बात समझो, एन टर्म्स का सम का जब फॉर्मूला ही निकाल लिया है तुमने, जनरल फॉर्मूला है, जैसे हमने एक क्वेश्चन शायद किया था एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था जिसमें एनएच टर्म हमको, एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, एनएच टर्म हमको लीनियर दिया था 3 प्लस 2n, याद है, तो वो एनएच टर्म का जनरल फॉर्मूला था, हम एन की वैल्यू रखते जाते थे हमें एनएच टर्म मिलता जाता था, और यहाँ पर हम एन की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको सम ऑफ एन टर्म्स मिलता जाएगा। एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, देखिए चलिए आप इसमें एन की वैल्यू 17 रखिए, जरा रखिए कितना आ जाएगा एस 17 इज इक्वल्स टू एन की जगह 17, 17 का स्क्वायर 289 आ गया, हाँ, और यही तो क्वेश्चन में दिया था क्या, कि शुरुआत के 17 टर्म्स का सम कितना था 289। और दिखाता हूँ मैं आपको, और क्या दिया था इन्होंने हमको, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना दिया था 49, यहाँ 7 रखो तो 7 कितना जाएगा 7 का स्क्वायर 49, तो समझ गए, तो ये मैं बस आपको बताना चाहता था, बाकी आंसर तो हमारा ये रहा, ओके, तो इसको कर लीजिए।